जनपद सिद्धार्थ नगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पगड़ी पठान अंतर्गत निवासी राम आशीष यादव को बगल के गांव के दो लोगों ने मामूली सी बात पर चाकू मार दिया, जिसकी तहरीर थाने में दी गई है। घायल का इलाज जनपद के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कई दिनों से गांव में बिजली न आने से राम आशीष यादव अपनी मोबाइल चार्जिंग के लिए जा रहा था। रास्ते में गांव के ही पुलिया पर समीप गांव के लोग बैठे थे, जो अक्सर शाम को उस रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं को छीटा कसी किया करते थे, जिस पर राम आशीष यादव द्वारा वहां बैठने से मना किया गया था, जिस पर बातों ही बातों में हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हुई और चाकू से हमला कर दिया गया। थाने पर तहरीर दी गई। तहरीर में दोनों युवकों के नाम अफरोज व असगर अली बताया गया है, जो भावपुर के निवासी बताए गए हैं। हम लोग उधर से जा रहे थे, लाइट नहीं आया था घर पे, तो चार्जिंग लगाने जा रहे थे मोबाइल, तो उधर शाम के टाइम पुल पे बैठे थे उन लोग हमारे गांव के, तो हम लोग बोले अभी इधर लेडीज आ जा रही हैं, आप लोग इधर क्या कर रहे हैं बैठ के, तो बोले ठीक है भाई हम लोग चले जाएंगे। फिर बाद में हम लोग चार्जिंग वार्जिंग लगा के आए, फिर भी उधर ही बैठे नहीं गए उन लोग। फिर पूछे तो बोलता है नहीं जाएगा तो क्या करेगा, तो हम लोग बोले अभी इधर उचित है बैठने का, हमारे गांव में बैठ या किधर भी बैठ, तो उधर बैठना तो जाके साइड में बैठ या, तो फिर गाली वाली देने लगे। उसके बाद में पकड़ा हुआ वो चाकू लिया था, हमारे ऊपर हमला कर दिया। कौन लोग थे, कहाँ के थे? भापुर के थे। क्या नाम? नाम नहीं मालूम। कितने लोग थे? दो लोग। इससे पहले भी विवाद हुआ था कभी? नहीं नहीं कभी कुछ नहीं। कौन सा थाना है आपको? तिलोकपुर। यहाँ तक कैसे है? यहाँ तक आए उधर से ही एम्बुलेंस। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई हाँ हुआ हुआ हुआ। तहरीर दिए थे? हाँ उधर दिए थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।